ए फैमिली, सब्सक्राइब का बटन दबाने का है, वरना अपन तुम्हारे घर में आके सब्सक्राइब का बटन दबा देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्योर रिएक्शन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, क्योंकि आज की वीडियो काफी खास होने जा रही है यार। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्योंकि यार आज की जो हमारी वीडियो गाइस काफी ज्यादा फाड़ू, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी, क्योंकि डेली मोटिवेशन फॉर आर्मी। सो आर्मी को देख देख के इनकी मोटिवेशन, इनकी मेहनत के बारे में हम जानेंगे जानते भी, और लाइक जो इन मेहनत होती है वो तो सबको नजर आती है, और इनकी वीडियो से काफी लोग इंस्पायर भी होते हैं, लाइक इनके सॉन्ग पे, इनकी एक्टिंग और इनकी फैन फॉलोइंग। तो सबसे पहले इनकी ड्रेसिंग पे, इनकी स्टाइल, ड्रेसिंग, जो भी है, हर चीज का अपना स्वैग, अपना लेवल है, इसीलिए तो इनकी इतनी फैन फॉलोइंग और वो है ना, मतलब पॉपुलैरिटी है। तो मैं जो कहने चाह रहा हूँ, वर्ड समझो, इमोशन पे मत जाओ, वर्ड समझो, वर्ड। सो आज भी वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार, बाकी की बातें बाद में करेंगे, और पंच करना बेल आइकन पे जरूर, और सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिलेगा, so don't forget to subscribe to channel army। start karte hain video ko, count karte hain 3 2 1 and start। there was a small voice inside of me that said wake up man and listen to yourself। most people thought we were hopeless, but sometimes I just wanted to quit। but I think I was very lucky that I didn't give it all up। Yeah, and I'm sure that I and we will keep stumbling and falling like this, now more than ever we must try to remember who we are and face who we are। We must try to love ourselves and imagine the future। BTS will be there। You guys are the true evidences that we are worthy to live and keep going on, and I hope, I truly hope BTS could be the same for you guys। I will always be a fan of your army। Yes, I hope that there will really be an army concert someday। I promise the seven of us will go and cheer you on। Thank you। You are the army, army, you are the reason why I am here today। So I love you army, your smile, I love you too, your happiness truly brings meaning to my life। You guys were our school, you guys were our dream, you guys were our happiness, you guys were our wings, you guys were our cosmos, you guys were a light to our night, you guys were our most beautiful moment in life। We came this far together। Everything we try to say is starting with recognizing the islands and loving ourselves। I'm born here in Korea, Seoul, and you're born in maybe in UK, and we're different, we look different, we speak different, everything different, if not gender's different, but at this time now we start to talk about what's truly inside us। We might look different, we might speak different, we might eat different, we might live different, but we share the same heart। We had our debut, I think, in November. We practiced it for 12 hours, from 12 hours to 15 hours a day. Who do you do this for? मेरी जुबान अलग है, मेरा खाना पीना अलग है, मेरा उठना बैठना हर चीज़ अलग है, लेकिन दिल लेके और जैसे कि उन्होंने कहा कि यार फैंस और आर्मी फैंस भी काफ़ी अच्छे इंस्पायर थी, और
जैसा कि स्टार्टिंग में यार वो बोल रहा था कि होप, सम पीपल थिंक वी आर होपलेस, हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन जो उन्होंने मोटिवेशन वो बताया, कितनी मेहनत कर रहे थे वो, एक मेहनत करते हैं, बहुत कुछ होता है, सिर्फ वीडियो रिलीज करना नहीं होता, उसके पीछे जो मेहनत होती है, उसके पीछे जो वो कितनी मुश्किलात के सामने यार एक सिंपल सी बात है बता जा, हमारे कज़न की शादी थी तो हमने मतलब डांस प्रैक्टिस करने की कोशिश की, हाँ। तो मेरे ख्याल से हमने एक छोटा सा डांस करना था, आई थिंक फोर मिक्स सॉन्ग थे, मेरे ख्याल से हम लोग 10 से 15 दिन हम लोग प्रैक्टिस करते रहे, तब जाकर बहुत मुश्किल से हमने डांस और किया और वो भी तो हमें इनके लिए यार इतना लाइव परफॉर्मेंस और इनके लिए तो सिंगिंग भी खुद है, कोरियोग्राफी भी और एक एक स्टेप हम लोग तो चलो देखते हैं नेट से, यहाँ से वो स्टेप निकाला वो स्टेप, ये तो अपनी चीज निकालते हैं ना, अपनी स्टेप निकालते हैं, उस पर मेहनत बहुत है, इसी में हम देखे कि यार पहले इंसान खुद को देखे कि यार मैं ये कर सकता हूँ, इसलिए दूसरे के बारे में बात करना चाहिए, बहुत मुश्किल है यार। हेटर जैसे जैसे आप सक्सेस की तरफ जाओगे तो हेटर्स तो बढ़ेंगे, ठीक है, तो लेकिन घबराना नहीं, घबरा सबसे पहले आपने, हमारे पीएम ने कहा कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। सो यार काफ़ी ज़बरदस्त इंटरव्यू थी, डेली मोटिवेटिंग फॉर आर्मी, सो आर्मी जितने लवर्स हो यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कौन सी मोटिवेशन लाइक आपकी, कौन इनकी कौन सी वीडियो देखे आप मोटिवेट ज़्यादा हुए, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी हार्ड टचिंग वर्ड्स थे, हाँ ये तो है, आर एम के जो अंदाज था ना बात करने का, बहुत ही मतलब है दिल को छू जाने वाला अंदाज, और जहाँ पे शेर बिल्कुल उसमें एक एक वर्ड जो है ना वो मतलब हार्ट को टच कर रहा है, जहाँ पे उन्होंने खड़े होकर कहा कि वी लव, आई लव माय फैंस बीटीएस आर्मी, वो काफ़ी हार्ट टचिंग रहा होगा अपने फैंस के लिए। सो यार थैंक यू, वर्ड समझ इमोशन भी समझे यहाँ से, वर्ड भी समझे, वी लव आर्मी यार, मतलब हम भी एक किस्म किस्म जो ऐसे हम आर्मी के फैन हो चुके हैं, आर्मी मतलब कैसा बन चुके, व्यूज की कोई इतनी परवाह नहीं है, नहीं भी आएंगे तो नो प्रॉब्लम, बट वी लव आर्मी। सो यार अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।